हेलो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका चैनल में स्वागत है देखिए आज जो हम कर रहे हैं वो हम ये थ्योरम करेंगे इससे पहले मैंने आपको फंक्शनल के रिगार्डिंग एक थ्योरम कराई थी जहाँ पे मैंने बताया था आपको एक मैप डिफाइन किया था एफ ओफ इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई जहाँ पे सॉरी एफ ऑफ एक्स था यहाँ पे एंड वाई क्या था यहाँ पे यूनिक वेक्टर था ठीक है ये मैप डिफाइन किया था एंड हमने शो किया था कि दिस मैप इज फंक्शनल ये क्या था और ये फंक्शनल क्या बनता था जो ये यूनिक वेक्टर वाई होता था वो फंक्शनल बनता था और ये मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होती थी एच टू सी यानी एच स्टार का एलिमेंट होता था ये फंक्शनल ठीक है उसमें सारे फंक्शनल आते थे अब दूसरी थ्योरम हम क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं जो ये मैपिंग है अं, साई जो ये मैपिंग है जिसको हम क्या डिफाइन कर रही हूँ कि मैं जिस भी एलिमेंट पे साई फंक्शन ऑपरेट कर रही हूँ क्या आ जा रहा है उसका फंक्शनल आ जा रहा है ठीक है जहां पे एफ वाई क्या है मैंने आपको बताया था एच टू सी एक मैपिंग होगी होता है, ये भी फंक्शन ही है बस ये क्या होता है कॉन्टिन्यूस और एल्टी होता है जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं फंक्शनल डिफाइंड एज दिस कि जिस एलिमेंट पे आपने एफ वाई फंक्शनल लगाया उस एलिमेंट की इस वाई के साथ क्या आ जा रही है इनर प्रोडक्ट आ जा रही है इसकी इमेज ठीक है हमें शो करना है ये वन वन होगा ऑन टू होगा एडिटिव होगा लेकिन लीनियर नहीं होगा और आइसोमीटरी होगा ठीक है वन वन ऑन टू एडिटिव आइसोमीटरी होगा बट लीनियर नहीं होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में हम शो करेंगे प्रूफ प्रूफ शुरू कर रहे हैं प्रूफ में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ये वन वन है अब देखो आपने शो क्या करना है ये वाली चीज को वन वन शो करना है ये मैपिंग कहां से कहां तक है एच टू एच स्टार h स्टार में होने का मतलब पता है क्या है एच टू एच स्टार है इसकी जो इमेज आ रही है वो फंक्शनल आएगी सी हो भी वही रहा है अब देखो लेट वाई वन को मा वाई कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ना कहीं पे भी प्रूफ के टाइम पे अगर मैं ऐसे लिखती हूं एंड आपको मैं ये ना बोल पाऊं कि ये चीज आर्बिट्ररी है तो आपने खुद से इस चीज को समझ जाना है कि दिस इज आर्बिट्ररी पर्टिकुलरली मैं नहीं ले रही आर्बिट्ररी का मतलब कोई भी एलिमेंट पिक कर लो सब के लिए वो रिजल्ट होल्ड करेगा ठीक है ये हो गया अब लगाओ ऑन टू का मतलब क्या होता है हम इमेज को सेम लेके चलते हैं एंड देन एलिमेंट को सेम दिखाते हैं तो फाइव वाई वन इक्वल है फाइव वाई टू के इमेज सेम ले ली अब इसकी इमेज क्या है F of इसकी इमेज क्या आएगी एफ ओफ वाई टू अब ये खुद क्या है एक फंक्शन है किसी एलिमेंट पे ऑपरेट होगा तो मैंने कहा for all. देखो इसकी डोमेन भी एच है एक्स बिलोंगिंग टू एच मैंने क्या कहा एफ ओफ वाई वन एट एक्स इक्वल है एफ ओफ वाई टू एट एक्स मैंने ये कहा इसके बाद देखो ये डिफाइन कैसे है x कॉमा वाई जो एलिमेंट यहाँ लिखा है उसकी इसके साथ इनर प्रोडक्ट तो x कॉमा वाई इक्वल है x कॉमा वाई के इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दिस इंप्लाई x कॉमा वाई इसको इधर ले आओ माइनस x कॉमा वाई इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाई अब इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर चल रहा है सारा काम तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ हो गया See, हम कर रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एच वाई वन एंड टू बोथ आर ऑफ एच एंड फॉर ऑल एक्स belongs टू एच दिस रिजल्ट होल्ड सो इन पर्टिकुलर क्या मैं एक्स को ये ले लूं? ले लिया तो क्या होगा यहां पे वाई वन माइनस वाई टू कोमा वाई वन माइनस वाई टू का इनर प्रोडक्ट जीरो इफ एंड ओनली इफ वाई वन माइनस वाई टू का पॉजिटिव क्वांटिटी ये जीरो है इफ एंड ओनली इफ कब होगा ये चीज जब ये खुद जीरो हो ये टर्म ही जीरो हो इफ एंड ओनली डन हम क्या लेके चले थे हम इमेज सेम लेके चले थे और हमने क्या शो किया एलिमेंट हमने सेम शो किया दिस इंप्लाई साई इज साई इज वन वन नाउ सेकेंड केस वी हैव टू शो वी हैव टू शो दिस इज ओन टू साई इज ओन टू इसके लिए देखो मैंने आपको रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम बताई थी तो हम रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे देखो बाय ओन टू प्रूफ करने के लिए रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम देयर एग्जिस्ट यूनिक वेक्टर वाई इन एच सच दैट किस तरीके से वो वैक्टर बिलोंग करेगा इसमें सच दैट एफ एट एक्स इक्वल होगा एक्स वाई के यही थी बाई रिज रिप्रेजेंटेशन थोरम एंड ये चीज होल्ड होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एच हरे एक्स के लिए सी दिस इज एक्स वाई यहां देखो एक्स वाई किसके इक्वल है दिस एम्प्लाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई एक्स कहाँ से लिया मैंने देखो ये वाली मैपिंग ही यहाँ पे डिफाइन है ना तो यहाँ से मैंने ये वैल्यू पुट कर दी दिस इज हैपनिंग फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स आने का मतलब ही क्या है वो दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे ठीक है अगर आपको टू फंक्शंस को इक्वल दिखाना होता है ना तो आप हमेशा शो करते हो कि डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए उन दोनों की जो इमेज है दोनों फंक्शंस डोमेन की हर एक वैल्यू को सेम पे मैप कर रहे हैं जैसे f1 और f2 ने आपको इक्वल दिखाना है तो आप क्या शो करोगे कि f1 ऑपरेट करने पे डोमेन के हर एक एलिमेंट पे f1 ऑपरेट करने पे जो इमेज आ रही है ना एलिमेंट की सेम काम हो रहा है f2 के लिए दैट मींस बोथ आर इक्वल सी ये काम हो रहा है फॉर ऑल एक्स डोमेन के हर एक एक्स के लिए इसका मतलब क्या है f इक्वल है f ऑफ y के है अब f ऑफ y क्या है साई ऑफ वाई है हो गया क्लियर दिस इंप्लाई साई इज ओन टू शो कर दिया दो थर्ड चीज हमने क्या शो करनी है एडिटिव है थर्ड चीज हमें क्या शो करनी है टू शो साई इज एडिटिव दैट इज की फोर y1 वन को वाई टू बिलोंगिंग टू एच हमारे पास क्या होगा साई ऑफ वाई वन प्लस वी हैव टू शो दिस अब हम शो कैसे करेंगे Proof. कैसे करेंगे लेट y1, y2 बिलोंग कर रहा है h में मैंने कहा आर्बिट्ररी उठाते हैं हम फिक्स नहीं करते अब यहां से देखो तो साई ऑफ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल्स शो करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूं y1 plus y2 इसकी इमेज क्या है यहाँ देखो साई ऑफ जब y था तो f ऑफ y था यहां y1 plus y2 है देन क्या आएगा f ऑफ y1 plus y2 होगी एच अब फॉर ऑल

होगी ये चीज इक्वल ये चीज अगर इसके इक्वल है इसको मैं क्या लिख सकती हूं ये लिख सकती हूँ साई ऑफ वाई वन प्लस साइ वाई लिख सकती हूं ना दिस इंप्लाई साई वाई वन प्लस वाई टू इक्वल है साई ऑफ वाई वन प्लस साई ऑफ वाई टू के तो यहां से हमने क्या शो किया इसको कि ये क्या है साइज एडिटिव फंक्शन साइज एडिटिव अब नॉट लीनियर शो करना है साई ऑफ वाई ये शो करना है हमें नाउ साई ऑफ अल्फा वाई लो क्या आएगा डिफाइन करो f ऑफ अल्फा वाई साई ऑफ अल्फा वाई एफ ऑफ अल्फा वाई आएगा अब इस अल्फा वाई को फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एच एफ ऑफ अल्फा वाई एट एक्स किसके आएगा x की इस अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट एक्स की इस अल्फा वाई के साथ इनर प्रोडक्ट अब बताओ हम काम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बिकॉज यहां पे c भी आ रहा है दैट मीन्स ये स्केलर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ठीक है, रियल होगा नो इश्यू इफ कॉम्प्लेक्स देन हमारे पास प्रॉब्लम आएगी अब यहाँ पे एक चीज देखो तो यह स्केलर यहां से बाहर निकलकर आएगा अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा Sorry. हाँ, अपने conjugate के साथ आएगा. ठीक है ये चीज किसके इक्वल है एफ एट वाई ये चीज क्या है अल्फा बार एफ एट वाई एफ एट वाई की वैल्यू क्या है दिस इंप्लाई सबसे पहले इसको देखते हैं एट एक्स ये चीज थी दिस इम्प्लाय एफ ऑफ अल्फा वाई किसके इक्वल आ रहा है अल्फा बार एफ ऑफ वाई के एफ ऑफ अल्फा वाई था क्या साई ऑफ अल्फा वाई किसके इक्वल आया अल्फा टाइम अल्फा बार टाइम्स साई ऑफ वाई बट ये तो इसके इक्वल आना था नहीं आया उसके इक्वल दिस इम्प्लाय साई इज नॉट लीनियर साई क्या है लीनियर नहीं है राइट right? अब नेक्स्ट हमने क्या शो करना है कि साई इज एन आइसोमीट्री उसको शो करने से पहले मैं थोड़ा सा करूंगी इसको अब हम शो कर रहे हैं साई इज एन आइसोमीट्री व्हाट वी नीड टू शो हम क्या शो करेंगे कि साई ऑफ़ वाई वन माइनस साई ऑफ वाई टू इसकी नॉर्म इक्वल है किसके वाई वन माइनस वाई टू के साई के लिए जो आइसोमीट्री प्रॉपर्टी होगी दैट इज दिस ठीक है वो क्या प्रॉपर्टी होगी ये प्रॉपर्टी होगी अब देखो वाई टू बिलोंगिंग टू एच ठीक है क्या है हमारे पास फाइव ऑफ साई वन माइनस फाइव ऑफ साई टू नॉर्म लेके चल रही हूं इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रही हूँ ये है इक्वल है किसके ऑफ़ के अब आपके माइंड में सी एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए तो हम, शो करने के लिए, हम कैसे प्रोसीड करेंगे तो सी आइसोमीट्री शो करने के लिए हम इससे पहले साई की जो जो प्रॉपर्टीज प्रूफ कर चुके हैं उनकी हेल्प से प्रोसीड करेंगे अब यहाँ पे ये चीज में यहां से मैं ये चीज इसलिए लिख पाई बिकॉज आई हैव शोन दैट साई इज एन आई साई एडिटिव प्रॉपर्टी कि साई कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है उस वजह से ही मैं इस प्रूफ को प्रोसीड कर पाऊंगी इसकी इमेज है, no है इसकी इमेज अब इसमें मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी कि एफ ऑफ एक्स एक्स वाई के इक्वल होगा एंड यहाँ पे एफ क्या है फंक्शनल होगा एंड फंक्शनल होने के साथ साथ ये थ्योरम कराई हुई है मैंने फंक्शनल होने के साथ साथ एफ की नॉम इक्वल आएगी इस एलिमेंट के एफ की नॉम किसके इक्वल आएगी उस एलिमेंट के नॉम के इक्वल आएगी ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली थ्योरम मैंने आपको सबसे पहले प्रूफ कराई है ठीक है इसके बाद देखो यहां से मैं क्या चीज लिख सकती हूँ जो चीज यहाँ थी इसके सफिक्स में वही यहां आ रहा था तो यहां से क्या मैं ये लिख दू वाई वन माइनस वाई टू लिख सकती हूं ना तो यहां से क्या आया दिस इंप्लाई साई इज इम्प्लाय सा मैंने रिजल्ट क्या यूज किया यहां पे मैंने रिजल्ट ये यूज किया कि H हिलबर्ट स्पेस है ठीक है F मेरा क्या है एक फंक्शन है एच टू सी सच दैट एच हिलबोर्ड स्पेस है एफ वाई मेरा फंक्शन है एच टू सी स्केलर वैल्यूड फंक्शन है सच दैट एफ वाई किसी एक्स पे लगाऊंगी क्या आएगा एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट आएगा ये चीज डिफाइन करी थी देन मैंने शो किया था कि एफ वाई इज फंक्शनल एंड इसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि एफ वाई का नोम इक्वल होगा नोम ऑफ़ के। आई एम यूजिंग दिस रिजल्ट हेयर ठीक है इस रिजल्ट की हेल्प से मैंने क्या किया कि इसको ये दिखा पाई मैं साई को एक आइसोमीट्री शो कर पाई तो हमने प्रूफ कर दिया कि साई वन वन है वन टू है एडिटिव है आइसोमीट्री भी है बट दिस इज नॉट लीनियर इसको आप लीनियर ना बोल के कॉन्जुगेट लीनियर जरूर बोल सकते हो कि साई यहाँ पे अगर question आता है कि कि नहीं होगा होगा? तो क्या वो अपने स्केलर के कॉन्जुगेट उसमें तो आ रहा है बट यहाँ पे अल्फा ही आना चाहिए था लीनियर होने के लिए वो नहीं हुआ बट दिस इज कॉन्जुगेट लीनियर ओके यही था इस थ्योरम